फेज थ्री फेज एसी सप्लाई। अभी तक हमने जो भी एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, वी वर हैविंग अ सिंगल कॉइल। हमने क्या देखा था कि आपके पास दो मैग्नेट के पोल पेसिस के दरमियान में एक ही कॉइल जो थी वो आपके पास थी। दैट कॉइल कैन हैव अ नंबर ऑफ द टर्न्स, लेकिन एक ही कॉइल थी और उसमें हमारे पास क्या था कि आपके पास आउटपुट आती है एसी आउटपुट आती है। दिस इज द सिंगल फेज एसी सप्लाई। इन केस ऑफ द थ्री फेज एसी सप्लाई हमारे पास तीन कॉइल्स अटैच होती हैं एंड दोज थ्री कॉइल्स आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह का होगा कि तीनों कॉइल्स का जो है वो एक कॉमन टर्मिनल होगा और आपके पास दिस इज कॉइल नंबर वन, हमने कहा कि ये आपके पास ए पॉइंट है एंड दिस इज सेकेंड कॉइल और यहाँ पे आपके पास थर्ड कॉइल जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे दी थ्री कॉइल्स दे आर हैविंग देयर ओन पेयर ऑफ द स्प्लिट रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। यहाँ पे इनका एक कॉमन पॉइंट है, हमने इसको डी का नाम दे दिया है। दिस इज़ द बी पॉइंट एंड हेयर वी आर हैविंग अ सी पॉइंट। तो यहाँ पे हम जो है वो देख सकते हैं कि हर एक कॉइल दूसरी कॉइल से 120 के एंगल पर है। द सेंट्रल पॉइंट डी पॉइंट दैट इज़ कनेक्टेड टू दी शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, मतलब कि जैसे ही आप इस शाफ्ट को मैकेनिकली रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, ये तीनों कॉइल्स जो हैं ये इकट्ठी रोटेट करेंगी, लेकिन इस तरीके से रोटेट करेंगी कि पहली कॉइल का जो है वो सप्लाई, अगर उसकी आउटपुट जो है वो जीरो एंगल से स्टार्ट हो रही है तो उसी वक्त जो दूसरी कॉइल है उसकी आउटपुट आपके पास 120 डिग्री से जो है वो स्टार्ट होगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी आपके पास। अगर इसी चीज़ को जो है वो आप देखेंगे, जब फर्स्ट कॉइल जीरो फेज पे है, सेकंड 120 पे है, तो जो थर्ड आपके पास कॉइल होगी उसकी आउटपुट आपके पास 240 से जो है वो स्टार्ट होगी। तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट कुछ इस तरीके से प्लॉट की जा सकेगी। हम देखें कि आपके पास जो आउटपुट्स आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। दिस इज़ द फर्स्ट आउटपुट और द आउटपुट ऑफ द कॉइल डी टू सी। दिस इज़ द फर्स्ट कॉइल, दिस इज़ सेकेंड कॉइल एंड दिस इज़ थर्ड कॉइल। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट कॉइल। अगर सेकेंड कॉइल की देखें तो आपके पास कुछ आउटपुट जो है वो इस तरीके से आएगी कि ये आपके पास आउटपुट आ रही है सेकेंड कॉइल की। तो ये आपके पास सेकेंड कॉइल की आउटपुट है जो कि आपके पास 120 अहेड ऑफ द फर्स्ट है। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द सेकेंड कॉइल। अगर हम थर्ड कॉइल की देखें सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द थर्ड कॉइल। तो आपके पास आउटपुट की रेशो जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट के ऊपर और इधर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज़ आर थ्री फेज एसी सप्लाई। अगर हम यहाँ पे इनको देखें तो हर टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में, दिस इज़ द ग्राउंड टर्मिनल, हर टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में जो फेज वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ ऑफ 230 वोल्ट। डी टू ग्राउंड भी 230 वोल्ट है, बी टू ग्राउंड भी 230 वोल्ट है, डी टू ग्राउंड भी आपके पास 230 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर ए टू ग्राउंड लेते हैं तो भी आपके पास 230 वोल्ट का ही डिफरेंस है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अदर एनी टू टर्मिनल्स दैट विल बी ऑफ 400। जैसे कि आपके पास डी और ए के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी 400, सी और बी के दरमियान में भी आपके पास 400 का ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द थ्री फेज सप्लाई इज दैट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ सम अप्लाइंसेज दैट आर हैविंग द हाई वोल्टेज रेटिंग्स, तो वहाँ पर आप थ्री फेज सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इस केस में लोड जो है वो इन तीनों कॉइल्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है और ओवरलोडिंग की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका जो कनेक्शन है वो आपको 400 वोल्ट तक की वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द थ्री फेज एसी सप्लाई। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट इन थ्री फेज एसी सप्लाई वी आर हैविंग थ्री कॉइल्स। दीज कॉइल्स आर हैविंग देयर ओन पेयर ऑफ द स्लिप रिंग्स, दे आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट। वो कॉमन पॉइंट जो है वो शाफ्ट के साथ अटैच है जनरेटर की और मैकेनिकली रोटेट होगा और जब रोटेशन स्टार्ट होगी तो कुछ इस तरीके से होगी कि पहली कॉइल जो अपनी रोटेशन या आउटपुट जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रही है, उसकी आउटपुट जो है वो जीरो पॉइंट से रेफरेंस से स्टार्ट हो रही है, उसी वक्त दूसरी कॉइल की आउटपुट जो है वो 120 एंगल से स्टार्ट होगी और उसी वक्त तीसरी कॉइल की जो आउटपुट है वो 240 से स्टार्ट हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं दैट वी आर हैविंग अ हाई वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। और यहाँ पर ये एडवांटेज देता है कि यहाँ पर आप
बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रेटिंग की अप्लाइंसिस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओवरलोडिंग की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी बिकॉज इन दिस केस द लोड इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज थ्री कॉइल्स। सो दिस वॉज अवर कंसेप्ट ऑफ द थ्री फेज AC सप्लाई।